नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी पूछता है उत्तराखंड में कि आखिरकार पूछ रहा है उत्तराखंड कि बीजेपी कब जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। सवाल बीजेपी से यह भी कि आखिरकार 2 तारीख को जारी होने वाला घोषणा पत्र अब तक जारी क्यों नहीं हुआ। क्या बीजेपी ने रणनीति के लिहाज से अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया। पूछ रहा है उत्तराखंड की आखिरकार इस बार बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या होगा कुछ नया। बीजेपी कौन सा ऐसा नया दांव चलेगी जिसके सहारे अब की बार 60 पार। और बीजेपी ने आखिरकार इतनी देरी क्यों लगा दी, जहां कांग्रेस कटाक्ष कर रही है कि हमारे घोषणा पत्र को देखने के बाद बीजेपी ने रणनीति में बदलाव किया। बीजेपी ने कदम पीछे खींच लिए। बीजेपी ने घोषणा पत्र देखकर अब संकेत दे दिए कि वो कुछ नया करेगी। वो नया क्या होगा और इस नया करने से आखिरकार बीजेपी को हासिल क्या होगा। वहीं आम आदमी पार्टी कटाक्ष कर रही है, कह रही है कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो घोषणा पत्र हूबहू वैसा ही है जो कि आम आदमी पार्टी कह रही थी। आम आदमी पार्टी की गारंटी देख के कांग्रेस ने वैसा ही घोषणा पत्र तैयार किया जिसे प्रियंका गांधी ने लॉन्च किया। लेकिन इन घोषणा पत्रों के इतर आज इतिहास के पन्नों को पलट के 2017 के घोषणा पत्रों को भी टटोलने की कोशिश करेंगे, जहां आकलन होगा कि बीजेपी ने अपने वादे कितने किए पूरे और कितने रह गए अधूरे। सवाल यही कि आखिरकार क्या वाकई बीजेपी उन्हीं 2017 के सवालों को सुलझाने के लिए वक्त ले रही है जो सवाल 2017 में जनता के सामने रखते हुए वादे के आधार पर बीजेपी ने संकेत दिया था कि सत्ता में आएंगे तो इन वादों को हम पूरा करेंगे। ऐसे कई वादे जो कि आज भी सवाल बने हुए हैं, उन सवालों का क्या और क्या वाकई में जनता के सुझाव के आधार पर ही तैयार किया कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपना अपना घोषणा पत्र, और इन घोषणा पत्रों से क्या चुनाव में मिलती है जीत। आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, आपको सुनाते हैं कि हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद और बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने से पहले। आइए जरा हरीश रावत जो कांग्रेस के चेहरे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जिसमें जिसका टाइटल जो है उत्तराखंडी स्वाभिमान, क्योंकि हमारा मानना है कि पिछले 5 वर्षों में मंत्री जी सामने देखिए सामने थोड़ा सा इधर पिछले 5 वर्षों में वर्तमान सरकार ने उत्तराखंड के स्वाभिमान को छोड़ दिया और उससे जिस कुंभ को लोग प्रणाम करते नाम सुनते ही समाचार पत्रों में मीडिया ने टाइटल दिया उत्तराखंड कुंभ कोरोना स्प्रेडर। तो ये इस तरीके के कई घटनाक्रम है जिससे उत्तराखंडी स्वाभिमान को छोड़ फ्लैश मत मानना है। और उसमें हम है हजार हजार काम, 1000 से ज्यादा काम हमने इस अपने घोषणा पत्र में कि घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जो उत्तराखंड के भविष्य का क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से कांग्रेस की सरकार काम करेगी, किस तरीके से उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को पूरा करेगी, अर्थव्यवस्था को सुधारेगी, लोक कल्याण की योजनाओं के साथ साथ रोजगार वर्धक योजनाओं को संचालित करेगी, रोजगार पैदा करेगी। तो देवभूमि में दृष्टि पत्र 2017 का भी हम आपको दिखा रहे हैं जब वादों के आधार पर बीजेपी सत्ता में आई थी लेकिन क्या उन वादों को पूरा कर पाई। और एक तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र जहां पर
दावे किए जा रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो उत्तराखंड को स्वर्ग बना देंगे। और आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है हूबहू पट्टे कर दिया, बस पार्टी का नाम बदल दिया। अब दावा यह भी, जो आप जत्था देख रहे हैं उस जत्थे के आधार पर यह कहा जा रहा है कि हमने जनता के सुझाव मांगे और बीजेपी उन सुझावों के आधार पर अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है। मैं सबसे पहले सीमा डोरा जी आपके पास रुख करना चाहूंगा, और साथ ही साथ डीके पाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, सीमा जी बीजेपी का चेहरा है। सीमा जी, ये दृष्टि पत्र, क्योंकि अब हमारे साथ गुल मोहम्मद भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, गुल मोहम्मद जी आपका भी स्वागत। सीमा डोरा जी, ये इंतहा हो गई इंतजार की, कांग्रेस कह रही है कि बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, पहले 2 तारीख का ही, फिर 3-4 भी निकल गई, अब 5 तारीख 6 तारीख, कब जारी हो रहा है आपका विजन डॉक्यूमेंट घोषणा पत्र? जी जल्दी 2 दिनों के भीतर भीतर जारी हो जाएगा। और बहुत कुछ तो हमने मैनिफेस्टो जो है आपको बजट में ही दिखा दिया कि बीजेपी सरकार है तो क्या क्या करके दिखा देगी। बजट में ही आपको एक दृश्य में दिख गया होगा कि बीजेपी सरकार आ रही है। अमृतकाल तो महसूस किया कि अमृतकाल चल रहा है, मुझे पता चला कि देश में अमृतकाल चल रहा है। और 25 साल इंतजार करिए, पता नहीं 25 साल हम रहेंगे नहीं रहेंगे, नहीं लेकिन 25 साल तो मिला और आगे भी मिल जाए, अमृतकाल चल रहा है। प्लीज कंटिन्यू। तो वो मैनिफेस्टो में भी आपको दिखेगा कि बहुत कुछ अलग दिखेगा, जो कांग्रेस की झूठे वादे और आम आदमी पार्टी के झूठे वादे। तो बीजेपी ने हमेशा सत्य के धरातल पे जो भी काम किए हैं और जो भी वायदे किए हैं वो धरातल पे किए कि जो हम पूरा कर सके। हवा हवाई बात हम करते नहीं और हवा हवाई बातें हम रखते नहीं सामने। जो हम कर नहीं सकते वो हम रखेंगे नहीं। जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कह दिया हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे, हम सिलेंडर 500 का देंगे, फ्री नहीं देंगे। नहीं देखिए सर, हम वही मैंने बोला ना, हम वो करेंगे, हम वही करेंगे जो हम, वही कहेंगे जो हम करेंगे, और हम करके दिखाएंगे। इनकी तरह नहीं, इन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर करा। इनसे सर जरा पूछ लीजिए कि जब इनकी सरकार थी तो लंबी लाइनें लगती थी, दूसरे दिन जाके सिलेंडर मिलता था, ठीक है, अपने अपने लोग सिलेंडर रख के चले भी जाते थे उस जगह, और उसके बाद वो सिलेंडर जो हम ब्लैक में लेने पड़ते थे वो 1000 रुपए का ही सिलेंडर देंगे कुल मिलाकर। ये देखिए, ये अभी सारे चीजें तो मैं आपको ओपन नहीं कर सकती क्योंकि ये शेष नेतृत्व तय करता है ये सब चीजें, लेकिन इतना उत्तराखंड में, लेकिन ये जरूर आपको कि आपका देश और आपका राज्य जो है दोनों विकास करेंगे और दोनों सुरक्षित रहेंगे, और जो हमारी महिला, किसान, रोजगार, युवा और बेटियों सबके बारे में सोच कर ही ये मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। ओके, गुल मोहम्मद जी जल्दी आ जाएगा। आपने सुना सीमा मैडम कह रही कि हम ऐसा घोषणा पत्र बनाएंगे जिसे देखकर आप बिल्कुल आपके कान खड़े हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बीजेपी इतना होमवर्क कर रही है कि आप लोग सोच नहीं सकते। और आपने जो घोषणा पत्र कॉपी कट पेस्ट किया है, डीके पाल जी बता रहे थे कि आप लोगों ने कॉपी कट पेस्ट कर दिया, सिर्फ पार्टी का नाम बदल दिया। और सीमा जी ये कह रहे हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर सिर्फ हवा में तीर मत छोड़ो भाई, बहुत हो गया। सीमा जी का मैं सम्मान करता हूँ, हमारी बड़ी बहन है ये। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस सरकार ने झूठे वादे नहीं किए, कांग्रेस सरकार ने करके दिखाया है। जब कांग्रेस सरकार थी तो 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था, जिसमें 30 रुपए बढ़ाए गए थे, तो पूरी भाजपा सड़कों पर आ गई थी जब 480 रुपए का सिलेंडर हुआ था, चूड़ियां लेकर आ गई थी सड़कों पे। आज 1000 रुपए का भाजपा सरकार में सिलेंडर है, देश में सरकार है, राज्य में सरकार है, तब जाके ये हाल है। तो मैं अपनी बहन मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूँ कि अब से 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी राज्य में और आपको 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था, और आज आपकी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, 1000 रुपए का सिलेंडर आप ले रही हैं। आप भी गृहिणी हैं, आप भी घर चलाती हैं और उसी सिलेंडर पे आप भी काम करती हैं। रही अब घोषणा पत्र की बात, कांग्रेस ने पहले भी सरकार में 450 रुपए का सिलेंडर दिया था, और अब सरकार बनेगी 2022 में कांग्रेस की, तो 500 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस देने का काम करेगी, और कांग्रेस ने काम करके दिखाया है और आगे भी करेगी। 500 रुपए का सिलेंडर ये कह रही थी सीमा मैडम कि जो 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात आप कर रहे हैं, 500 रुपए का सिलेंडर आप राजस्थान में भी दीजिए, आप झारखंड में भी दीजिए,
सीमा मैडम कह रही थी कि आप सभी राज्यों में दीजिए ना, जहां आपकी सरकार है महाराष्ट्र में भी 500 रुपए का दीजिए, यहां आकर सिर्फ आप हवा हवाई बात कर रहे हैं क्योंकि सत्ता में नहीं आ रहा। प्रदेश की, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड प्रदेश की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने डबल इंजन दिया, कांग्रेस उत्तराखंड में मुख्यमंत्री दिए, आपने 100 रुपए पेट्रोल पार कर दिया, आपने 1000 रुपए का सिलेंडर पार कर दिया, आपकी सरकार में बेरोजगारी चरम पर है। सीमा जी आप मेरी बात सुनिए, मैं भी आपकी बात सुनता रहा, आप इसमें नहीं बोलेंगी, यहाँ जनता को बताने के लिए बैठे आप, विकास आप फैसला करें, मैं काउंटर करूंगी आपको। मैं गलत कुछ नहीं कहा मैंने और कोई ऐसी बात नहीं कही, आपको विकास गिनाने हैं, जनता को गिनाइए, आपने विकास धरातल पे क्या करे हैं। मैं बताऊं, हमारी कांग्रेस सरकार ने 3-3 चर्चर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनवाए, रायपुर में बनवाया स्टेडियम, हल्द्वानी में स्टेडियम बनाया, आपके 3-3 मुख्यमंत्री ने पिछले 5 सालों से अब तक बताइए एक विकास का काम बताइए कि आपने पूरे राज्य में क्या विकास किया है, कितना रोजगार दिया है, कितने विकास किए हैं, जनहित में कितने काम किए हैं, आप जवाब दीजिए, आप जनता को बताइए, खाली टीवी पे बैठकर बताएं। अभी तक आपका घोषणा पत्र नहीं आया, आप क्या घोषणा पत्र जारी करेंगे? आप 3 मुख्यमंत्री आपने प्रदेश को दिए, 3 मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए, तीनों मुख्यमंत्री ने क्या ऐसा महत्वपूर्ण कोई कार्य किया जो आप जनता के सामने रख सकें कि हमारे 3 मुख्यमंत्री ने, डबल इंजन की सरकार ने ये विकास किया उत्तराखंड में? मैं पिछले भी आपको विकास गिना सकता हूं, और हमारी हमारी कांग्रेस जो कहती है पहले भी किया है, आगे भी करेगी और करके दिखाएगी। आप 450 रुपए का सिलेंडर आपकी सरकार ने दिया। सीमा मैडम आप बोलिए जल्दी से, फिर डीके पाल जी आपके पास। जी मैं यही तो कहती हूँ, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है, एक अंतर होता ना इनकी, इनका तो जमीन आसमान का अंतर होता है। सरकार में आपको 450 रुपए का सिलेंडर मिला है, आप इसको नकार नहीं सकती, आपकी सरकार में आज 1000 रुपए का सिलेंडर है। हमारी सरकार ने भी सब्सिडी दी सिलेंडर्स में, सब्सिडी दी, लोगों ने खुद सब्सिडी छोड़ी, सारी घोषणाएं बंद कर दी गई है, लोगों ने अपने मन से बंद करी, जब मोदी जी ने कहा कि जिसको जरूरत नहीं है वो सब्सिडी छोड़ सकता है, अपने मन से करा। अब आप क्यों बोल रहे हो जब मैं बोल रही हूँ तो आप बोल लीजिए, डिबेट आप कर रहे हैं ना, बोलिए बोलिए बोलिए, बिल्कुल छोड़ दूंगी बोलना, मैं सुनूंगा बोलिए। नहीं सीमा मैडम गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं कर रही हूँ सर, जब मैं चुप रही तो आप बोल क्यों रहे ना, समय सुनिए ना, मैं सर मैंने कभी नहीं, हमने जब डिबेट शुरू करी मैंने कभी ये नहीं कहा कांग्रेस ने ये नहीं करा, हमने ये नहीं करा, मैंने सिर्फ अपनी बात बताई, कांग्रेस अपनी बात, आप अपनी बात बताइए ना, आपका धन्यवाद। मैं क्यों मानती हूँ, मैंने तो कहा ही नहीं कि कांग्रेस ने कुछ किया, निकम्मी कांग्रेस अगर होती अच्छी तो क्यों भगा देती जनता, आप ये खुद सोचिए ना। लेकिन मैं जल्दी जल्दी किसी, मैं 14 फरवरी को जनता तय कर देगी, तो आप इंतजार कर लीजिए ना, हमने तो नहीं कहा कि इंतजार मत करिए, इंतजार है, देवतुल्य जनता है, जो करेगी उसका फैसला जो होता है वो सर आंखों पे आपके लिए भी होना चाहिए और हमारे लिए भी होना चाहिए, और हम हमेशा रखते हैं, और हमें जनता जनार्दन, बिल्कुल जनार्दन बिल्कुल है, और जनता देख रही है कि कितना बेवकूफ बनाती है कांग्रेस पार्टी, जहां जहां इनकी सरकार है वहां महंगाई चरम सीमा पे है, वहां पर बच्चियों के लिए कुछ नहीं, आप राजस्थान में जाइए तो देश देख रहा है, अलवर में बिल्कुल रेप के लिए वो बिल्कुल रेप जोन बन गया अलवर, वहां पर इनकी महिलाओं की सुरक्षा नहीं क्योंकि इनकी सरकार है। पंजाब में इन्होंने महिलाओं के लिए क्या कर दिया, वहां पर इन्होंने राजस्थान में महिलाओं के लिए क्या कर दिया, कितने रोजगार दे दिए, आम आदमी पार्टी से पूछिए उन्होंने दिल्ली में कितने रोजगार दिए, मात्र 400 कुछ लोगों को रोजगार दे पाइए, बड़ी बड़ी रोजगार बनाइए। जब आप धरातल पे आते हैं तो आपको पता लगता है कि सरकार चलाना में जब ऐसी महामारी आ जाती है उसके बावजूद अगर आपका देश तरक्की करता रहता, आपकी अर्थव्यवस्था ठीक है, आपके राज्य में सब कुछ सही चल रहा है, तो आपको सल्यूट करना चाहिए उस सरकार को जिसको आप लोग निकम्मी सरकार कहते हो, उस मुख्य उस प्रधानमंत्री को सल्यूट करना चाहिए आपको, लेकिन आप लोगों को सिवाय तंज कसने के कुछ नहीं आता। अब आप विपक्ष में इतने लंबे अरसे तक रहे, आप क्या तारीफ करते थे कांग्रेस की? नहीं सर हम तारीफ नहीं करते थे, लेकिन जब भी हमें लगता था कि सिलेंडर बढ़े थे, 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था तो आप सड़कों पे चूड़ियां लेकर आ गए थे विपक्ष में रहकर, आज 1000 रुपए का सिलेंडर है, आपको माननी पड़ेगी ये बात। ओके ओके, आप 4.5 साल कहां थे, आप क्यों नहीं सड़कों पे आए, आपने दंगा क्यों नहीं करा, आपने काले झंडे क्यों नहीं दिखाए, आपने तो विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभाई, विपक्ष की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होती है, विपक्ष को छोटा मोटा नहीं होता, लेकिन आपने तो विपक्ष की भूमिका आपको पता ही नहीं, एक्चुअल विपक्ष होता क्या, विपक्ष की भूमिका निभाई कैसे जाती है, आप इलेक्शन के सिर्फ 6 महीने पहले जागृत होते हो।
धन्यवाद आपने जागरूक किया विपक्षी भूमिका निभाने के लिए। एक मिनट गुल मोहम्मद जी, एक मिनट। सीमा मैडम, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि अब की बार नया क्या होगा। मैं नया समझना चाह रहा हूँ कि नया क्या होने वाला है बीजेपी के इस विजन डॉक्यूमेंट दृष्टि पत्र में। मैं एक एक हिंट देता हूँ, हिंट देता हूँ, एक चीज पक्की होगी उसमें। मैंने मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लिया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सीएम साहब आप 5 काम गिनवा दीजिए। उन्होंने कहा तिलक भाई भेज दूंगा, लिस्ट भेज दूंगा। मैंने कहा आपने 500 काम किए, 500 काम में एक काम लोकायुक्त का क्यों नहीं कर पाए आप? उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा खंडूरी जी के सपने को पूरा करेंगे? जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक, मैंने उनसे पूछा एक काम ना करने का अफसोस। उन्होंने कहा कि भू कानून मैं लेकर आऊंगा। ये तो क्लियर है कि आप भू कानून लेकर आए, लेकिन नया क्या होगा ये भी एक सवाल है। लेकिन डीके पॉल ही हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। डीके पॉल साहब, आपने देखा कि कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर आई है अपना और बीजेपी लाने वाली है, आप लोग नया क्या करेंगे? ये आप कह रहे हैं कि आपके नेता की भैया ने कॉपी कट पेस्ट कर दिया। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी धन्यवाद। एक तो ये कि कॉपी पेस्ट का मतलब ये तो पूरा राज्य समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बट मैं एक बात बड़ी गंभीरता से उत्तराखंड के परिपेक्ष में करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो इनका घोषणा पत्र आया है, मुझे लगता है वो लोकसभा का दे दिया, थोड़ा जल्दी दे दिया, 2024 से पहले दे दिया है। अच्छा। उसमें उत्तराखंड के हक हकूकों से संबंधित या राज्य के नौजवानों को रोजगार देने से संबंधित या जो पहाड़ की बहुत ही मार्मिक समस्याएं हैं, जिसको हम स्वास्थ्य की समस्या, हमारी शिक्षा की समस्या, हमारे किसान जो पहाड़ के किसान है उनके खेतों की तारी बाड़ी की समस्या, जो वो कहीं उनके मैनिफेस्टो में देखने को नहीं। फिर मैं तो ये कहता हूँ हाथ आंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे भाई कांग्रेस पार्टी के भाई मेरे नेता हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 10 साल से सत्ता में रहे हैं, 5 साल अगर गिनती नहीं आती तो मैं 5 + 5 = 10 करके बता देता हूँ। 10 साल सत्ता में रहने वाले को क्या किसी मैनिफेस्टो को देने की आवश्यकता पड़ती है? पहले तो आप ये दिखाइए ना, दिल्ली में केजरीवाल जी जब पहली बार सत्ता में आए और वो पूरा कार्यकाल करने के बाद में जब लोगों के, देखिए सर एक मिनट सुनिए, मैं अपनी बात करने दीजिए, करने दीजिए सर, मेरी बात पूरी जा नहीं पाएगी। प्लीज प्लीज पाल सर, जब 5 साल आपने सत्ता में रह लिए हैं और आप रहने के बाद में आप मैनिफेस्टो की क्या हो सकता है? आप विजन डॉक्यूमेंट दीजिए, जो काम आपसे रह गए 5 साल में। मानता हूँ कि आपने 50 जो है ना मैनिफेस्टो में नंबर डाले और 45 पूरे हो गए और 5 पूरे नहीं हुए, तो 5 के लिए आप कह सकते हैं कि हमने 45 पूरे कर दिए हैं, आप हमको हमारे काम के आधार पर वोट दीजिए, जो 5 बच गए हैं वो हम अगली बार पूरा करेंगे, क्योंकि समय हमको नहीं मिल पाया। अरे जब आपने जब 10 साल सत्ता में रहे हो तो आपको मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट, आपको विजन की जरूरत है। कुछ काम रह गए, कुछ हो गए, कुछ रह गए, बस कृपया करके पब्लिक के बीच में ये कह दीजिए कि हमने इतने काम पूरे कर दिए। कांग्रेस पर इतना आक्रमक क्यों हो रहे हैं? कांग्रेस पर इतना आक्रमक नहीं, नहीं, अभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं, उन पर क्या जरूरत है हमको आक्रमक होने की? अरे सुनिए, इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी वो कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो राज्य की स्थायी राजधानी को घोषित करेंगे, वो अखबार भी मैंने आज निकाल लिया है। अरे 5 साल गुजर गए भट्ट जी, आप भी यहाँ से निकल लिए, पतली गली से सांसद बन के बैठ गए, बंगालियों को मौका दे रहे, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा का आप नाम तक नहीं लेते, फिर भी आपको सांसद बना के भेज रहे हैं कुमाऊं के लोग। अरे आप सत्ता में जब आप मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं तो सोच तो लीजिए, जो आप कह रहे हो करिए तो सही। महेश जोशी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन आप कांग्रेस पर इतना आक्रमक हो रहे हैं। मेरा नमस्कार, 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 नमस्कार सर, बस आया एक सेकंड। आपने सुना नहीं, पाल साहब 5 साल में 500 फैसले लिए, 5 साल में या फिर 7 महीने में 500 फैसले, कुछ ऐसा है, मतलब 500 फैसले तो लिए ना इन्होंने, 500 फैसले, समझिए आप 500 फैसले, सुना नहीं पाल साहब आपने, 500 फैसले, 500 फैसले, 500 फैसले लिए, 500 फैसले, 500 पैसे, फैसले, अरे फैसले तो
फैसले नहीं, 560 झूठी घोषणाएं, लोकार्पण और रिबन काटे इन्होंने। मैं गिनवा भी देता हूं, 560 में से एक फैसला है आंगनबाड़ी की बहनों को इन्होंने 1,500 से 6,500 कर दिया, लेकिन उसका अध्यादेश ये विधानसभा में नहीं ला पाए। उन्होंने खाली घोषणा किए आंगनबाड़ी बहनों को झूठ बोल करके कि भाई हमने आपका कर दिया है, और आचार संहिता लग गई, फिर आचार संहिता का बहाना दे रहे, तो अब इसको फैसला कह रहे, फैसला नहीं झूठी घोषणा। ओके जी के पाल, ओके आपने कहा ये झूठ बोलते हैं। ओके महेश जोशी जी, मेरा ऑडियो आ रहा है सर आपको? हाँ जी महेश जोशी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने सुना होगा डीके पाल जी कितना नाराज हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता, इनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी जानती है कि कांग्रेस ने कॉपी कट पेस्ट किया है, जो बात आम आदमी पार्टी कह रही थी आपने वो कॉपी कट पेस्ट कर लिया घोषणा पत्र में। महेश जोशी जी सर ऑडियो आ रहा है मेरा आपको? लग रहा है कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सीमा मैडम डीके पाल जी कहते हैं इनसे क्या सवाल जवाब करें, इन्होंने 5 साल में कुछ किया नहीं, अगर किया है तो 5 साल का हिसाब ही दे दे, वही काफी है, आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। जिसको पूरा विश्व देख रहा है उसको वो चीजें इनको नहीं दिख रही, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही बात आती है, वो आता है फ्री में बिजली दे देंगे और फ्री में पानी दे देंगे, उसके अलावा इनको कुछ नहीं पता कि प्रगति क्या होती है, देश को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है और किस तरीके से जनता को सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि इनको तो सुरक्षा की बातें तो इनको समझ में आती नहीं है। खाली फ्री में बिजली देकर आप लोगों के जीवन को जीवन निर्वाह करने के लिए उनको कह देंगे कि हाँ बस हो जाता है जीवन निर्वाह, जब तक आप जीविका नहीं दे पाएंगे, जब तक कौन सा हम दे रहे हैं ना, इन्होंने कब दे दिया, इन्होंने कौन सा दे दिया है ना आज दिल्ली में फ्री में दे रहे हैं अपनी तरफ से, आप फ्री में बिल्कुल, हमने राशन भी दिया पूरा और अब तक चल रहा है राशन फ्री लोगों को, जो गरीब लोगों को है, जो नीचे स्तर के गरीब है देश में, 80 करोड़ लोग गरीब ना हो लेकिन फिर भी जो मिडिल क्लास भी है जो नहीं, मतलब गरीब है ना वो, फिर भी हम उनकी सहायता करते चले जा रहे हैं, जो हमें लगता है कि उनको अगर इतनी भी मदद मिल जाए तो भी उनका जीवन यापन अच्छे से चलता रहेगा, क्योंकि कोरोना काल में डेफिनेटली उनकी जो जीविका जो है वो प्रभावित हुई है कोरोना काल में, इसलिए, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमेशा के लिए, अरे आप उनको हमेशा के लिए ये बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, आप उनको रोजगार से जोड़िए, आप दिल्ली में हम तब इनको सैल्यूट करते अगर इन्होंने दिल्ली में रोजगार बढ़ा दिए होते, अगर इन्होंने लोगों को नए रोजगार देते, सर्विसेज दी होती, नौकरियां अच्छे अच्छे नौकरियों का निकाली होती, तब हम कहते कि इन्होंने बहुत काम कर दिया युवकों के लिए, लोगों के लिए, खाली बिजली देकर क्या होता, और उसमें आपको अच्छे से पता है कि कोरोना काल में क्या हाल हुआ था इनके दिल्ली में, जो इन्होंने भगाए थे और नोएडा में लोग जो थे उत्तर प्रदेश जाने के लिए अटके पड़े रहे, क्योंकि केजरीवाल ने सीधे सीधे कह दिया था कि चले जाइए आप लोग अपनी अपनी जगह, और जबकि ये पता था कि कोरोना काल में लोगों को बाहर जाना खतरनाक है, हमने यही बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि जहां पर है वहीं पे स्टे करिए, आपको राशन पानी मिलता रहेगा, लेकिन इन्होंने कुछ मुहैया नहीं कराया, क्योंकि इनके पास कुछ होता ही नहीं, जितना भी थोड़ा बहुत होता है वो ये बिजली पानी में उड़ा देते हैं। इनकी जब सरकार आई तो इनके मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे, हमारे यहाँ कोई गाड़ी नहीं लेगा, कोई बंगला नहीं लेगा, कोई सुख सुविधाएं नहीं लेगा, हम तो बिल्कुल जो है सेवा करने के लिए आए हैं। 2 महीने गुजरे नहीं कि इनके मुख्यमंत्री लेके सबने गाड़ी और सब कुछ फैसिलिटीज ले ली, खाली कर दिया दिल्ली को, तो इनकी तो कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तो आम आदमी पार्टी अभी बहुत छोटी है, सीखिए अभी कुछ करना कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, और देश को जब लेके जाना है, राष्ट्र को जब लेके जाना है, तो राज्यों को भी साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 1/1 स्टेप्स करके आप ऊपर तक बढ़ते हैं, तो ये स्टेप्स जो होते हैं कि हमारे राज्य होते हैं, इसमें झूठी बातें मत करिए इनको, झूठी बातें जारी करते हैं, विजन डॉक्यूमेंट जो जारी करते हैं, आप कितनी घोषणाएं पूरी हुई, कितनी नहीं हुई, क्यों नहीं हो पाई, ये सब कुछ बताते हैं आप जनता को? बिल्कुल बताते हैं, और हम जब आएंगे तभी भी बताएंगे कि हमने ऑलमोस्ट हमारी 90% से ज्यादा जो थी वो हमने घोषणाएं जो करी थी वो पूरी हो चुकी हैं, आप देख लीजिएगा। नहीं, 90% वो और उसके ना, सीमा मैडम जैसे आप पूछा गया कि आपने नौकरी दी, तो आपने कहा कि नहीं नौकरी तो दी है हमने, सब लोगों को नौकरी दे दी, पकड़ पकड़ के रोजगार दिया, पकड़ पकड़ के नौकरी दी, लेकिन आंकड़ा पूछा जाए विभाग अनुसार तो बताया नहीं जाता कि कौन से विभाग में किसको नौकरी दी, नाम क्या है उसका, पता क्या है उसका, फोन नंबर क्या है, वो नहीं बताया जाता, ये बता दिया जाता है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, अब कैसे पता चले कि रोजगार मिला नहीं मिला।
देखिए रोजगार तो देखो आरटीआई आरटीआई तो आप लगा देंगे तो आपको सब कुछ पता चाहिए ना कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं, इतनी रह गई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल विद रिपोर्ट कार्ड हम आपके साथ आएंगे। और रोजगार की बात करें तो देखो स्वरोजगार तहत हमने बहुत सारे लोगों को अलग अलग कहीं किन्हीं को ई रिक्शा से जोड़ा लोन देकर, किन्हीं को जो जानवर देके यानी कि एनिमल्स के लिए हमने लोन देकर जोड़ा, किन्हीं को होम स्टे के जरिए जोड़ा, किन्हीं को दूसरा कोई रोजगार। खुद अध्यापिका है मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ। एक स्किल मैपिंग होती है हर राज्य को करनी चाहिए, वो पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। अब देखिए आपका इतना जबरदस्त विजन है, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो स्किल मैपिंग होती है आपके यहाँ? स्किल मैपिंग के आधार पर, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि एमबीए का छात्र भी पकोड़ा तल रहा हो, अच्छा नहीं लगेगा। देखिए काम करने वाला काम करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन एमबीए का छात्र अगर पकोड़ा तले तो अच्छा नहीं लगेगा ना आपकी सरकार में, है कि नहीं? नहीं डेफिनेटली हम लोग ऐसे पे देखिए, पहले जो प्रधानमंत्री कौशल योजना है उसके तहत कितने लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, कंटिन्यू चलती रहती थी, उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने रोजगार प्राप्त होती है आपके यहाँ राज्य में उत्तराखंड में? बिल्कुल बिल्कुल होती रहती थी हाँ, लेकिन और आगे भी करते रहेंगे हम लोग स्किल मैपिंग, क्योंकि जैसे आप रोजगार मेले लगाते हैं, रोजगार मेले के आधार पर रोजगार नहीं मिल पाते बेचारों को, मैं इसलिए पूछ रहा था, नहीं तो अगर होता तो 8,42,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार नहीं होते आपके यहाँ। देखिए तिलक सर एक बात बताइए, 5 साल हमको मिले, 5 साल में पूरे आपको अच्छे से पता है, 3 साल ऑलमोस्ट 3 साल यूं चले गए, उस उन 3 सालों में कितना कुछ हुआ फिर भी, कि चलो सबसे पहले जान हित की बात की किस तरीके से लोग बच जाए। 3 साल में क्या प्रधानमंत्री जी की रैलियां नहीं हुई, आप लोगों की रैलियां नहीं हुई, तो इन छात्रों के एग्जाम क्यों नहीं हो सकते? नहीं बिल्कुल, अगर अरे हम, मैं तो एक शिक्षिका हूँ ना, आप ये बात कर रहे हो, जब हमने पेरेंट्स को हम ये लिख के देते थे कि आप मैं तभी आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल, मैंने अगर 3-3 साल में 5-5 साल में कितनी परीक्षाएं आपने करवाई इसका हिसाब भी देंगे आप? मैं आपको बता रही हूँ, जब हम लोग लिख के देते थे पेरेंट्स को कि आप, हम लोग स्कूल खोलना चाहते हैं, आर यू रेडी टू सेंड योर चाइल्ड, सीधे सीधे पेरेंट्स का आता था नो, वी डू वॉन्ट टू सेंड आर चाइल्ड, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगी वी विल नॉट सेंड। जिनके 3-3 साल खराब हो गए, आपने एक परीक्षा आयोजित नहीं करवाई, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि हमने लोगों को रोजगार दिया, मैं ये कंफ्यूज था। एक ब्रेक ले रहा हूं मैडम, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा कि आखिरकार रणनीति के आधार पर घोषणा पत्र बनाने की बात जो बीजेपी कर रही है, उस घोषणा पत्र में नया क्या होगा और जो पिछले वादे थे वो पूरे क्यों नहीं हुए। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे, जल्द हाजिर हो। भवर में भाजपा आज बात इसी की हम कर रहे हैं, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ बिना वक्त गवाए। ब्रेक से पहले डीके पॉल जी, सीमा डोरा जी कह रही हैं जो कहा वही किया और जो कर पाएंगे वही कहेंगे, आप लोग सिर्फ हवा हवाई घोषणाएं करते हैं, घोषणा पत्र में भी आपके यही होने वाला है, आपका जवाब। जी देखिए, इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल सेट करने जा रही है। पहला एग्जाम्पल हुआ जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2014 से लेकर 2019 तक रही और उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि काम करेंगे तो जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने 5 साल काम किया, केजरीवाल जी ने कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, किसी भी प्रकार का कोई मैनिफेस्टो नहीं लेकर के आया। उन्होंने कहा जनता के बीच में जाकर के अगर मैंने और मेरी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टरों ने विधायकों ने अपने क्षेत्र में तमाम लोगों के लिए काम किए होंगे तो आप उस आधार पर हमको वोट दीजिए, अदरवाइज वोट मत दीजिए। हम उत्तराखंड में भी यही चाहते थे और यही समझते थे कि इनको केजरीवाल जी की उस बात से कुछ तो शर्म आएगी या कुछ तो उसका आचरण करेंगे, लेकिन इन्होंने अपना मैनिफेस्टो लाए, 10 साल में सरकार में रहने के बाद दो बार मैनिफेस्टो जारी करने के बाद तीसरी बार भी मैनिफेस्टो, चौथी बार भी मैनिफेस्टो। अरे जनता का बेवकूफ मत बनाइए, जनता सब जानती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर इन्होंने अपने मैनिफेस्टो को दोबारा से खुद ही देख लिया ना तो 5% भी काम इन्होंने मैनिफेस्टो के या अपनी घोषणा के आधार पर नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो मुझे गिनवाइए, जो नहीं किए हैं वो मैं बताता हूँ। हमारे राज्य की 1,25,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां लाने का जिम्मेदारी किसकी थी जो सत्ता में आए हैं, चाहे वो पहली सत्ता में नरेंद्र तिवारी जी आए हो, चाहे 2007-12 की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई हो, चाहे 2012 से लेकर 2017 तक हम सत्ता में कांग्रेस रही हो, या फिर जो वर्तमान सरकार अभी जो 5 साल रही है, इन्होंने तो कसमें खा खा करके ये कहा था कि हम सत्ता में आएंगे,
तो राज्य की स्थायी राजधानी को घोषित करेंगे। हम सप्ताह में आएंगे तो अपनी परिसंपत्तियां लाएंगे, हम सप्ताह में आएंगे तो मलिन बच्चियों को नियमित करेंगे, हम सप्ताह में आएंगे तो 108 उपनल पीआरडी आंगनबाड़ी इनको नियमित करेंगे और उनकी जो मांगे हैं केजरीवाल का आचरण करना चाहिए इनको। ओके सीमा मैडम बिल्कुल अच्छी 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 बात हो। एक मिनट सीमा मैडम, ये कह रहे हैं कि सीखना है तो केजरीवाल जी से सीखो, उन्हीं का आचरण करो, जिस लाइन पर वो चल रहे हैं उसी लाइन पर चलो, सीखो कुछ। 25 साल शराब पीने की उम्र थी जिसको 21 साल कर दी आपकी, ये बात माने। लड़कियों के लिए आपको पिंक टॉयलेट बनाने की जगह पिंक बार बनवा ली आपकी, ये बात माने। आप लोगों ने सिर्फ लोगों को ये बोला कि आपको फ्री में ये दे देंगे, जो आपने बैसाखियां पकड़ा दी नौजवानों को रोजगार ना देकर, आपकी ये बात माने। हम आपको बताते हैं, आपने कहा ना कितने पॉइंट्स हैं, रोजगार को हमने जरूर पलायन को रोकने की बात की थी, उस पलायन के तहत हमने होम स्टे की योजना चलाई, स्वरोजगार की योजना चलाई जो काफी फलीभूत हुई है, लेकिन पलायन आयोग का गठन गठन पे भी जो काम रुक गया था वो भी कंटिन्यू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ मैंने बोला था कोरोना में इतना टाइम निकल गया। दूसरा हमने कहा था भ्रष्टाचार पे बात की थी, हमने जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाई, भ्रष्टाचार मुक्त हमने उत्तराखंड में। भ्रष्टाचार के लिए आपने लोकायुक्त की बात की थी, वो है लोकायुक्त कहाँ चला गया फिर? एक मिनट ठीक है, लोकायुक्त के जो अध्यक्ष थे उनका नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन वो भी हो जाएगा। लेकिन आपने ये देखा, आपने ये देखा ना कि सर सुनिए, भ्रष्ट तो नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं आया आपके यहाँ उत्तराखंड में, मतलब आपने तो आप मुकदमा भी, आप जज भी, आप खुद तय करेंगे कि भैया हम तो कातिल है। आप अपना, आप अपने उत्तराखंड के न्यूज पेपर उठा के देख लीजिए कितना क्राइम दिखता है आपको, आप देख लीजिए आप कहां पर, आपको ऐसा लगता है कि न्याय नहीं मिल पा रहा है कि लोकायुक्त की जरूरत नहीं है हमें, आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, हमने जो सरकार चलाई तो हमें जरूरत नहीं थी, अगर लोगों को होती तो जरूर करते, और अगर आपको ये लगता, खंडूरी जी को जरूरत थी लेकिन आपको नहीं है, प्लीज कंटिन्यू। और अगर इनको ये लग रहा था कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, अगर इनको ऐसा लग रहा था पिछले 4.5 साल में, तो ये विपक्ष में बैठने पर क्यों नहीं खड़े हुए और ये गिनाते कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है और इसके लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए? पास है, मैं बता देता हूँ, कहीं और काम आएगा, हमारे वैसे भी साथी बहुत बहुत ज्ञानी है, वो इस सफियों में नहीं जाते, परवर समिति के पास है लोकायुक्त, और परवर समिति के पास वो तब जाता है जब विपक्ष उसकी सिफारिश करता है। अब यहाँ गहराई को समझिएगा, जब विपक्ष कहता है कि हमें इस पर एतराज है, इसको परवर समिति के पास भेज दीजिए, तब वो परवर समिति के पास जाता है। लेकिन यहाँ क्या पेच है, यहाँ विपक्ष चाहता था कि लोकायुक्त मुक्त हो, लेकिन सत्ता पक्ष चाहता था कि इसको परवर समिति के पास दे दिया जाए। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर परवर समिति पर सत्ता पक्ष सिफारिश करता है कि इसको परवर समिति के पास भेज दिया जाए। प्लीज कंटिन्यू। फिर हमने ये बात कही थी कि 24 घंटे बिजली, और वो हमने 24 घंटे बिजली दी, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस की सरकार में कहते थे सर 24 घंटे आती है, हम तो उत्तराखंड में रहते हैं, कांग्रेस की सरकार में 4-4, 5-5 घंटे बिजली गुल रहती थी, किसानों को रोज बिजली नहीं मिलती थी, आज हमने 24 घंटे बिजली मुहैया कराई अपने अपने उसमें काल में। फिर हमने कहा था हेल्थ कार्ड, उसके लिए हमने आयुष्मान कार्ड बनाए, 5-5 लाख का ट्रीटमेंट लोगों को फ्री मिला, ऑर्गेनिक खेती हमने कही थी उसमें, सर बोल लें दीजिए, आप बोल लीजिएगा, मेरे को आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना, बोलिएगा, मुझे सुनने की आदत है, मुझे आपको सुनने की आदत नहीं है, सर बोलने की आदत है आप लोगों को। ऑर्गेनिक खेती, आज देखिए आज ऑर्गेनिक खेती कितनी महत्व रखती है, आज ऑर्गेनिक खेती को लोग जानते हैं, उत्तराखंड की दालें, उत्तराखंड के अनाज, उत्तराखंड का लेमन ग्रास, उत्तराखंड के सब चीजों को इतनी ज्यादा फेमस है, और कहीं फेयर लगते हैं, कहीं दिल्ली में देखिए, पूरे विश्व में इसकी इतनी ज्यादा मांग हो गई है उत्तराखंड की खेती की, जिसको हमने ऑर्गेनिक खेती करी, नौजवानों को नौकरी दी है, 108 के कर्मचारी को कितनी नौकरी दी आपने, कितना नियमित करा, 5 साल तक वो टंकी पर चढ़कर 8 लाख, हमने 8 लाख नौकरियां दे चुके हैं हम लोग, 8 लाख रोजगार से, आपको कहने से क्या होता, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होता, दिल्ली में बैठ के आपने राजनीति करी, यहाँ पर आके करी होती तो पता होता, आप सिर्फ दिल्ली में रह के बातें करते हैं, दिल्ली की और यहाँ की भौतिक परिस्थितियाँ बहुत अलग है, दिल्ली से मुकाबला नहीं कर सकते उत्तराखंड का, बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी फ्री की राजनीति करना थी, धरातल पे आएंगे तब पता लगेगा आप कहां से रहेंगे यहां पे।
नहीं, आप उत्तराखंड की बात करिए, बोल लीजिए, क्योंकि वो फायदा नहीं है, डिबेट का कोई मतलब नहीं होता, दो बातें क्लैश हो रही होती है, आप बोल लीजिए। दो पांच साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम आएगी, ना तो जवान को रोक पाए आप, और पानी पर कोई भी आज तक एक भी जल विद्युत परियोजना आप नहीं बना पाए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जीरो कर दिया उत्तराखंड को। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे हो, आप ये देखिए जरा डाट में, जो डाट काली में जो उन्होंने फटाफट अभी बना दिया, एक साल के भीतर भीतर आपके बना दिया, चार चार साल पांच पांच साल लग जाते थे कांग्रेस के टाइम में, जो पुल नहीं बन पाते थे, जो जो फ्लाईओवर जो शुरू होते थे, दस दस साल चलते रहते थे, और उसी जो जिसमें वो बिल पास होता था उसमें वो छोटे से फ्लाईओवर बन गए जिसमें इतनी एक्सीडेंट्स हुए, हमने नहीं करा, हमने जो कहते हैं हम कर देते हैं, और उस लिमिट पे करते हैं, टाइम लिमिट पे करते हैं। मैडम एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट, गुस्सा नहीं, मैं डीके पाल जी, अभी देखिए कमेंट आया लाइव में, कमेंट ये आया है कि डीके पाल जी से कहिए कि आप गैरसैंण को लेकर क्या स्टैंड है आपका, राजधानी बनाएंगे, बिल्कुल क्लियर स्टैंड है उत्तराखंड की, क्लियर है, सुन तो लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि जिन जो जो ये घोषणाएं कर रहे हैं, हवा हवाई घोषणाएं कर रहे हैं, जो सियासी गुब्बारे उड़ा रहे हैं उत्तराखंड में आके, उनसे कहिए कभी गैरसैंण भी गए हैं क्या केजरीवाल जी, वो पूछ रहे हैं कभी केजरीवाल जी गैरसैंण, अभी मनीष सिसोदिया जी केजरीवाल जी भी जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे, आप देख लेते रहिए, अरे जिनकी जिम्मेदारी थी पांच साल, जिन्होंने वहाँ भवन बना दिया, वो तो वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे, वहाँ एक भी अधिकारी गैरसैंण में नहीं बैठा हुआ है, अरे केजरीवाल जी की सरकार आएगी ना तो अच्छाई राजधानी गैरसैंण को अगले तीन महीने के अंदर अंदर घोषित करेंगे, और सारे अधिकारी दिल्ली में तो खास कर रहे थे, गैरसैंण में जाके क्या कर लेंगे, वैसी ठंड में पड़े रहेंगे, मफलर उनके बता रहे हैं खांसते रहते हैं वो दिल्ली में, अरे दौरा जी आप थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच्चाई जानी है, सच्चाई जिनके अध्यक्ष ने कहकर मैनिफेस्टो में लेकर के आ रहे हैं अजय भट्ट जी के सत्ता में आएंगे, 2017 का भाषण है उनका, अखबार में छपा है, आप नहीं जानते कि डोरा जी नए हैं क्या, आप बहुत पुराने हैं, आप ऐसी बात मत करिए, उन्होंने कसम खा के कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो इस राज्य की अच्छाई राजधानी 17 सालों के बाद मिलेगी, अरे भाई 22 साल हो रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आज कहाँ है वो घोषणाएं आपकी, आज वो वादे कहाँ है आपके, राज्य के नौजवानों को 70% नौकरी देंगे, बहनों को उनका अधिकार देंगे। ओके ओके, अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ डीके पाल जी, उम्मीद करूंगा कि आप ध्यान से संयम के साथ सुनेंगे, बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, मैं अगर गलत सवाल पूछूंगा तो आप पूछ लीजिएगा, आपको लेकर कि तिलक चालवा तुम गलत बोल, ठीक सर। सीमा मैडम, मैं कुछ चेक कर रहा था और मैंने कुछ चेक करके कुछ रिकॉर्ड, मुझसे पूछ रहे हैं आप बीच में बोलिएगा, हाँ बोलिए। हाँ, सीमा मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिकॉर्ड निकाला मैंने अपने थोड़ा बहुत अध्ययन करके, उस रिकॉर्ड के मुताबिक आप पुराने वादों को भी पूरा करेंगे ना, उनका हिसाब भी देंगे ना कि हमने ये वादे किए थे, ये वादे पूरे नहीं किए, ये भी बताएंगे ना, जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक लंबी फहरिस्त, मैं लंबी तो नहीं थोड़ी बहुत, सरकार बनने में, सरकार बनते ही 100 दिन में खंडूरी सरकार में बने लोकायुक्त को बनाने का वादा पूरा करेंगे, लेकिन नहीं हुआ, आपके विजन डॉक्यूमेंट फॉर्म जरूर करेंगे, बच्ची दाने जो बनाया था जी, मैं वही पढ़ के बता रहा हूँ, वही हूँ, आपने बोला था कि 100 दिन में खंडूरी सरकार के बने लोकायुक्त को हम धरातल पर लाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को रियायती दरों पर हम बिजली उपलब्ध करवाएंगे, जो कि नहीं हुई, रियायती दरों पर, पूरा देख लीजिएगा, आगे पढ़ रहा हूं, सभी विभागों में खाली पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को 6 महीने के अंदर भर लिया जाएगा, 5 साल तक सरकार मशक्कत करती रही लेकिन नहीं हुआ। अब तीसरा पॉइंट, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपने एक एंटी करप्शन प्रकोष्ठ बनाने का गठन करने का वादा किया था ना मैडम, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा ना, वो एंटी करप्शन गठन नहीं हो पाया, वो जो आपने कहा था एंटी करप्शन प्रकोष्ठ गठन करेंगे वो भी नहीं हो पाया। प्रदेश में गन्ना किसानों को 15 दिन में पूरा भुगतान करेंगे, लेकिन 15 दिन में भुगतान नहीं हुआ, मुझे उम्मीद थी कि आपकी सरकार ईमानदार सरकार है, उनको 14 दिन के बाद शुगर कैन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग आप ब्याज भी देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, अगर भुगतान नहीं हुआ तो उनका ब्याज मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला। अब आगे,
राज्य की नई युवा नीति का भी आज भी इंतजार है, आपने कोई नई युवा नीति नहीं बनाई अभी तक, टिल डेट नाउ। आपने कहा था, ये आप ही का विजन डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूं, आगे आपने कहा था कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, कोई बना मैडम अब तक? नहीं बना। नहीं, लेकिन महिलाओं के ऊपर जो हमने बहुत रोक लगाई उसमें आपको दिख रहा होगा, अगर आप रेशो देखोगे की जरूरत नहीं है, जैसे लोकायुक्त की जरूरत नहीं है, आप ये कह रही है ना, पर हमने अपनी तरफ से नियंत्रण कर लिया, अगर ऐसा लगता है हमें कि नियंत्रण नहीं हो रहा तो उस पे। ओके, आगे पढ़ देता हूं। तो हमें आपने कहा था कि एससी एसटी में जो बैकलॉग में पद हैं उनको भरा जाएगा, वो 5 साल में नहीं भरेगा एससी एसटी में। आपने कहा था कि व्यापारियों के लिए व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, व्यापार कल्याण बोर्ड व्यापारियों के लिए, वो आज तक नहीं हुआ। आगे सुनिए, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा, नहीं हुआ। कर्मचारियों के मसलों के समाधान के लिए शिकायत प्रकोष्ठ बनाने का जिक्र किया था, वो आज तक नहीं बना। ऐसे ही दुर्गम क्षेत्रों में तैनात शिक्षक, जिनका ट्रांसफर हुआ ना मैडम, जो शिक्षा मंत्री कहते थे तिलक चावला, ठोक बजा के बोलता हूं 5 साल उद्योग नहीं बनाया इसको मैंने, उनके कार्यकाल में यह वादा किया गया था कि शिक्षक और कर्मचारी जो भी दुर्गम में होंगे उनको दुर्गम भत्ता दिया जाएगा, दुर्गम भत्ता, वो आज तक नहीं दिया। मैंने कोई गलत तो नहीं पढ़ा मैडम इनमें से, कोई पॉइंट गलत पढ़ा हो मैंने? अस्थाई राजधानी भूल गया है सर, अस्थाई राजधानी जी भी मैनिफेस्टो में पहले नंबर पर लिखा हुआ था सर। आपका पढ़ूंगा तो आपके तो पता नहीं कितने 3600 निकल आएंगे, रुक जाइए। सीमा मैडम प्लीज कंटिन्यू, मैंने कोई गलत नहीं पढ़ा सीमा मैडम? नहीं सर, बिल्कुल गलत नहीं पड़ा, लेकिन मैंने आपसे यही बोला कि भ्रष्टाचार के लिए हमने वो कदम उठाए कि हमने जीरो टॉलरेंस पे सरकार चलाई, लेकिन महिलाओं के लिए हमने वो करा जो आपने भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए प्रकोष्ठ के गठन का जिक्र किया था, जिसका नाम था एंटी करप्शन प्रकोष्ठ का गठन, आपने नहीं खोला, आपने नहीं बनाया, क्यों? चलो ये लोकायुक्त नहीं लेकर आए, प्रवर समिति में आपकी सरकार नहीं भेज दिया, लेकिन आप ये तो ला सकते थे ना कि एंटी करप्शन प्रकोष्ठ, जैसे कि कोई खनन माफिया, सोच के देखिए कोई खनन माफिया है जो जिसको जिसने कि चिट्ठी लिख दी किसी ने भी कि इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसका ट्रक छोड़ दो, उसका ट्रक छोड़ दो, अब उसकी जांच कौन करेगा, कैसे पता चलेगा कि वो भ्रष्टाचारी है या नहीं है? देखिए ये तो आरोप लगाएंगे, डीके पाल जी आरोप लगाएंगे, कांग्रेस आरोप लगाएगी कि देखिए कि सीएम ऑफिस से चिट्ठी लिखी गई, ये खनन हो गया, ये खनन चोर है, खनन प्रेमी है, इस तरह के आरोप लगाएंगे, तो इसकी जांच कौन करेगा मैडम? क्योंकि आपकी सरकार ईमानदार सरकार है, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे को चिंता इस बात की, कौन करेगा जांच? नहीं, डेफिनेटली जो कुछ छूटा है उसको हम आगे पूरा करेंगे, लेकिन हमने फिर मैंने यही हमने सारे वादे पूरे किए 95% नहीं, सारे वादे पूरे किए हमने, होने नहीं दिया ना, हमने भ्रष्टाचार होने नहीं दिया, हमने महिलाओं पे भ्रष्टाचार नहीं दिया, ओके ओके, जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाई तो होने, लेकिन फिर भी हमने हमारे नए मैनिफेस्टो में ये चीजें होंगी, कुछ चीजें छूटी हैं, मैंने आपको कहा क्योंकि ये तो ऐसा विकट परिस्थिति आ गई जिसमें चीजें छूटनी लाजिम थी, नहीं यस काफी चीजें छूट गई हैं, लेकिन कहीं विकास में कहीं कोई कमी नहीं आई, बिजली नहीं दे पाए गरीबों के लिए, सरकार जो है फीस लेना नहीं छोड़ पाई, स्कूल बंद रहे 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, सरकार फीस लेना नहीं भूली स्कूलों में, लेकिन स्कूल बंद रहे। सर दिल्ली में भी ली गई थी, सर दिल्ली में फीस छोड़ी है, सर दिल्ली में फीस छोड़ी है सर, आगे अगर वो मैं बताती हूँ आपको डिटेल दूंगा स्कूल में फीस माफ की गई है सर, उपलब्ध करवा दीजिए, मैं बोलना बंद कर दूंगा, सच बोलिएगा बस, मैं करा दूंगा, मैं लिखित में करूंगा आपको सर, मोहर लगा के दूंगा प्रदेश उपाध्यक्ष, दिल्ली की पूरी रिपोर्ट दूंगा सर, आपके तो आपके अपने भी नहीं है, आपके अपने अपने भी रहे,
वो आपको गाली देकर चले गए इस बात को लेकर कि हमारे हमारे जो नेता है उनकी सेटिंग हो गई है बीजेपी वालों के साथ डमी कैंडिडेट उतारने के लिए। आप ही के नेता ऐसे बोल के गए मुझे गलत आ रहा हूं गलत आम आदमी पार्टी का 70 विधानसभा में ऐसी जिन्होंने आरोप लगाया मैं आपको भेज दूंगा जिन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डमी कैंडिडेट उतारे हैं आपके प्रदेश प्रभारी के साथ सेटिंग हुई है बीजेपी वालों की आम आदमी पार्टी बीजेपी वालों से इस तरह से बोल रहे थे सर वो ये कह रहे ये तो 10 मार्च का 10 मार्च का दिन बताएगा 10 मार्च का दिन बताएगा कौन डमी है मुझे काम किया बोल रहे थे जो आपके नेता थे वो ये कह रहे थे डमी कैंडिडेट उतारे जानबूझ के इन्होंने खुद ही डमी रहे होंगे वो खुद ही डमी रहे होंगे कहीं से प्रोजेक्ट करके भेजो गए होंगे वापस गए होंगे तो कुछ भी बोल सकता है कोई लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूँ सर जो आपने बात रखी है नहीं सारे कैसे चले जाएंगे 70 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं जनके की चोट पर चुनाव लड़ रहे हैं हमारा हर कार्यकर्ता जितना जितना टिकट दिया जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है सर आपराधिक का रिकॉर्ड है तो हम चुनाव आयोग में भरेंगे अगर अपराध साबित हुआ होगा क्रिमिनल को नहीं देंगे नहीं कि कोई क्रिमिनल नहीं है वो किसी पर बलवे के मुकदमे चल रहे हैं किसी पर बलवे के मुकदमे चल रहे हैं किसी पर चेक बुक का मुकदमा चल रहा है तो ये कोई अपराध नहीं है। अच्छा ये कोई अपराध नहीं है अपराध उसको कहते हैं जेल काट ली उन्होंने घर लूट लिए खनन को लूट लिया है शराब की नीतियों में पत्र आने दीजिए सीमा मैडम चलिए सीमा मैडम ये लिस्ट आपको भिजवा दूं ये जो मैंने निकाली है वो बताएंगे आप नहीं सर पता है मुझको क्या क्या छूटा है और क्या 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 हमने करा है क्या 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 छूटा है वो सब अगर पता है पर हमने पूछ रहे हैं डीके पाल जी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो ना कि हम भी जारी करें वो भी कट पेस्ट हो जाए फिर दोबारा से वो कह रहे कब तक जारी हो जाए हमारा जारी हो चुका है सीमा मैडम कब तक जारी इनका जारी हो गया तो क्यों नहीं करते क्यों नहीं जनहित में जारी करते क्यों नहीं छुपा छुपा के रखते रोज रोड पर वो वेटिंग फॉर व्हाट गारंटी किस चीज का इंतजार है आपको दिखाई नहीं दे रहा आपको रोज की गारंटी कर रहे हैं वो सर रोज आकर कह रहे हैं ये गारंटी वो कह रहे हैं ये फ्री वो कह रहे हैं ये घर फ्री ये बिजली फ्री ये पावर पॉइंट फ्री ये सब कुछ फ्री बस वेलो फ्री वो सब कुछ फ्री दे रहे हैं फिर भी कह रहे हो खुद कर नहीं रहे वो मैं आपसे कह रहा हूँ कब तक जारी करेंगे आप कब तक जारी करेंगे सीमा मैडम हम 2 दिन के अंदर आ जाएगा आपको मैनिफेस्टो दो दिन में आपको नहीं कहेंगे ना अच्छा तोड़ लाएंगे तारे तोड़ लाएंगे पकड़ पकड़ के रोजगार देंगे आपको नहीं बोलेंगे ना सर देखिए अगर हमने ये कहा होता ना आज तक तो हम बहुत पहले कह चुके होते हमने कभी नहीं कहा क्योंकि हमें पता है कि हम जो चीज हम कर नहीं सकते वो हम कह क्यों हमने साथ साथ राज्य के साथ साथ परिवार के साथ राज्य और राज्य के साथ देश को भी ऊपर लेके जाना है तो हम फ्री कुछ नहीं। एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैनिफेस्टो पर जो इनका 2017 का मैनिफेस्टो था उसमें बस एक ही बात कहना चाहूंगा जोतकर उगाई जिन्होंने फसल उनके हाथों में पड़े छाले देखिए जो चुराते रहे दूसरों की फसल उनके हाथों में भरे प्याले देखिए कर दिया वक्त ने क्या गजब फैसला फूल सूखे हैं कांटे हरे देखिए फूल सूखे हैं कांटे हरे देखिए इस राज्य के फूलों को इन्होंने अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से सुखा दिया इन्होंने 5 साल तक कोई काम नहीं किया है राज्य का नौजवान सड़कों पर भटक रहा है टंकियों पर चढ़ रहा है बहने 15 बार आपका तो ये वादे थे चुनावी वादे हैं वादों का क्या लेकिन अभी कई वादे जिनको पूरा होने का जिक्र बीजेपी कर रही है लेकिन कुछ वादे अधूरे भी रह गए अब ये वादे कैसे और कब पूरे होंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत कल फिर हाजिर होंगे पूछेगा उत्तराखंड वो सवाल जो कि सियासत में गूंज रहे हैं। नमस्कार जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।